गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पीपीसी क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है उसका एक स्टैंडर्ड शेप जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कॉनकेव टू ओरिजिन। ओरिजिन मतलब ये वाला पॉइंट और कॉनकेव इट मीन उसका ऐसा शेप होता है उसको कॉनकेव बोलते हैं, है ना, ऐसा चंद्रमा। ओके अब ये जो स्टैंडर्ड शेप है इसमें यदि कुछ चेंजेस आते हैं तो इसमें कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा भाई, जैसे कि जो रिसोर्सेज जिससे आप चीज़ें बना रहे हो वो रिसोर्सेज कहलाता है, तो रिसोर्सेज बढ़ भी सकते हैं, है ना, रिसोर्सेज कम भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना। आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसका रिसोर्सेज जो है वो बढ़ गए और रिसोर्सेज कम भी हो सकते हैं। तो रिसोर्सेज बढ़ेंगे तब क्या होगा और रिसोर्सेज घटेंगे तब क्या होगा, ये पीपीसी क्या एक प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन किस बात का है कि वाई और एक्स या एक्स और वाई हम दो प्रोडक्ट बना रहे, मान लो तो बना रहे तो उनके क्या होंगे, कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे। यही है एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप प्रोडक्शन जो बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, पीपीसी बोलते हैं। तो मान लो कि रिसोर्सेज क्या हो गए, बढ़ गए। रिसोर्सेज क्या हो गए, बढ़ गए। रिसोर्सेज यदि बढ़ रहे हैं तो क्या होना चाहिए, रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं तो क्या होना चाहिए। रिसोर्सेज मान लो कि जो है आपके एक्स भी बढ़ रहा है और वाई भी बढ़ रहा है, दोनों ही रिसोर्सेज आपके बढ़ रहे हैं, तो बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जैसे आप कोई प्रोडक्शन जहाँ 10 कर रहे थे वहाँ 12 करेंगे, है ना, या जहाँ पर 20 कर रहे थे तो वहाँ 24 करेंगे या ज़्यादा करेंगे, और इधर भी ज़्यादा है और इधर भी एक्स का भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वाई का भी प्रोडक्शन बढ़ ही रहा है। तो अल्टीमेटली मतलब आपका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो ये लाइन किधर जाना चाहिए, ये लाइन बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे शिफ्ट राइट वर्ड। क्या बोलेंगे, शिफ्ट राइट वर्ड। जब भी आपके रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं इट मीन्स आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और प्रोडक्शन बढ़ रहा है इट मीन्स क्या है, बेनिफिट वाली सिचुएशन है। तो बेनिफिट वाली सिचुएशन होगी तो वो ये कर्व किस साइड जाएगा, राइट साइड में जाएगा। किधर साइड जाएगा, राइट साइड, शिफ्ट इन राइट साइड। तो इसको हम बोलेंगे क्या, पीपीसी शिफ्ट इन राइट साइड बोल दो या राइट वार्ड बोल दो, पीपीसी शिफ्ट राइट वार्ड या राइट साइड, ठीक है। तो पीपीसी किस साइड शिफ्ट होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा। यदि मान लो पीपीसी यहां पर था तो पीपीसी कहाँ हो जाएगा, राइट साइड पहुँच जाएगा। यही बात है। नेक्स्ट यदि रिसोर्सेज डिक्रीज हो रहा तो क्या होना चाहिए, जस्ट इसका अपोजिट होना चाहिए। रिसोर्सेज कम हो गए तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। जो एक ये कॉम्बिनेशन थे आपके ए बी सी डी इस टाइप के कुछ कॉम्बिनेशन थे और ऐसा पीपीसी आपका बन रहा था, लेकिन अब आपके रिसोर्सेज कम है तो प्रोडक्शन भी कम होगा। तो जो आपका पीपीसी पहले इधर था आप किधर शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड। तो इससे रिजल्ट क्या आया, लेफ्ट वार्ड शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, है लेफ्ट साइड में हुआ, लेफ्ट वार्ड बोलते हैं, लेफ्ट वार्ड साइड शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। इसी को ही बोलते हैं हम शिफ्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। इसी को हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। तो पीपीसी शिफ्ट कब होती है, पीपीसी शिफ्ट तब होता है जब रिसोर्सेस इंक्रीज हो रहे हो या रिसोर्सेज डिक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज हो रहे तो किधर होना चाहिए, इंक्रीज राइट साइड, और डिक्रीज हो रहे तो किस साइड होना चाहिए, लेफ्ट साइड। डिक्रीज हो तो किस साइड होना चाहिए, लेफ्ट साइड। तो शिफ्टिंग क्या है, समझ में आ गई। शिफ्टिंग वर्ड कब इस्तेमाल कर रहे हैं, जब दोनों में ही इंक्रीज हो रहा है या दोनों में ही डिक्रीज हो रहा है। एक और चीज़ है, यदि ये मान लीजिए ये पीपीसी है एक तरफ से नहीं बढ़ रहा और एक ही तरफ से बढ़ रहा हो तो हम वर्ड यूज़ कर इस्तेमाल करेंगे, वो तो वर्ड हम क्या इस्तेमाल करेंगे, रोटेशन। क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, रोटेशन, कि एक तरफ से रोटेट हो रहा है, एक तरफ से बढ़ रहा है एक तरफ से नहीं बढ़ रहा है, मतलब एक के रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं दूसरे के रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको टेक्नोलॉजी से देता हूँ, किससे देता हूँ, टेक्नोलॉजी से। चलिए एक तो रीजन हो गया आपका शिफ्ट का, जो रीजन है शिफ्ट और रोटेशन का, जो आपका रीजन है वो रीजन कौन सा है, वो रीजन है आपका इंक्रीज और डिक्रीज इन रिसोर्सेस।
दूसरी चीज़ क्या है, चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ जाना। जैसे आप देखते हैं आज बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई है, बेहतर हो गई है। अब बेहतर हो गई तो उसका प्रोडक्शन क्या हो जाता है, प्रोडक्शन जो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे आप एग्जांपल तौर पे बात करें कि हम कपड़ा बनाते थे, कपड़े पहले हैंडलूम चलते थे, हाथ से बनाते थे, हाथ मशीन रहती थी उसमें मेनली काम जो हैंड मतलब आप जो हाथ से काम करना पड़ता था। अब वही काम जो है वो बड़े लूम्स होने लग गया है ना, बड़े उसके लिए बड़े बड़े कारखाने लग गए, तो जो आपका प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी थी वो बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी 100% बढ़ेगी। तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, मान लो कि आप ये दो प्रोडक्ट बना रहे थे, ये मान लीजिए कपड़ा बना रहे थे आप, इधर क्या कर रहे थे आप, कपड़ा बना रहे थे, तो कपड़ा बनाने का पहले आप हैंडलूम था, अब क्या है आपके पास, अब आपके पास जो है आप इलेक्ट्रॉनिक लूम ले आए, आप जो है बड़ी टेक्नोलॉजी आपके पास आ गई। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी में ऐसा हो सकता है ना कि भाई एक ही की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, खाली कपड़े की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इसकी टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ रही है। तो मैंने ये यहाँ पर लिखा कि चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ एक्स, और मैं ऐसा मान रहा हूँ कि जो है बेहतर ही हो रही है टेक्नोलॉजी। जो जब भी टेक्नोलॉजी जो हम एग्जिस्टिंग यूज़ कर रहे हैं उससे बेकार टेक्नोलॉजी की तरफ तो हम नहीं जाएंगे। आमतौर पर टेक्नोलॉजी क्या होगी, या तो बढ़ेगी या फिर जो है वही रहेगी। आज जैसे हम एक वो पुराने बल्ब थे, तो पुराने बल्ब जो 100 वाट के बल्ब आते थे, तो 100 वाट के बल्ब थे, अब हम किस पे आ गए हैं, 10 वाट के, बस 15 वाट, 5 10 7 8 वाट के एलईडी पे आ गए। एलईडी पे आने के बाद वापस से हम उस बल्ब पे जाएंगे क्या? अब हो सकता है इससे भी कोई बेहतरीन टेक्नोलॉजी आ जाए, उस पे चल जाए हम। तो टेक्नोलॉजी यूजुअली प्रोडक्शन में क्या होता है, हम बेहतर की ओर ही जाते हैं। इसलिए मैं खाली इसका लिख रहा हूँ चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ एक्स, मतलब कि एक्स की टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई। अब एक्स की टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई तो आप ये देखिए कि मान लीजिए एक पीपीसी बना हुआ था, एक पीपीसी बना हुआ था, इस साइड कौन है एक्स है, इस साइड कौन है वाई। तो यदि टेक्नोलॉजी एक्स की बड़ी है तो प्रोडक्शन एक्स का बढ़ना चाहिए कि वाई का बढ़ना चाहिए, एक्स का बढ़ना चाहिए। तो एक्स का प्रोडक्शन बढ़ा तो ये प्रोडक्शन बढ़ा तो ये जो पीपीसी यहाँ से स्टार्ट हो रहा था अब थोड़ा दूर से होगा, राइट है। और वाई में कुछ हुआ है क्या, वाई में कुछ भी नहीं हुआ है, तो वाई में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन एक्स का प्रोडक्शन में चेंजेस आएगा। इसी को ही हम बोलते हैं क्या, रोटेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन, ठीक। तो जो आपका जो पीपीसी है वो एक्स की तरफ ही जो है क्या हुआ है, राइट पार्ट शिफ्ट हुआ है, लेकिन वाई में शिफ्ट नहीं हुआ है, ठीक। दूसरा ऐसा हो सकता है कि क्या हो सकता है कि चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ वाई, ऐसा भी हो सकता है ना, यानी कि एक पीपीसी बना हुआ था आपका, वाई में प्रोडक्शन बढ़ा, एक्स में प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, तो एक्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा और वाई का प्रोडक्शन बढ़ गया, ये वाई था यहाँ पर, अब वाई वन हो गया। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर ये एक्स था, तो जैसे पहले यहाँ एक्स था और ये एक्स वन हो गया, राइट है। तो ये रोटेट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। अब एक कंडीशन हो सकती है कि बोथ टेक्नोलॉजी या बोथ चेंजेस, चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ, दोनों की टेक्नोलॉजी एक्स और वाई दोनों की टेक्नोलॉजी बढ़ गई। अब जब दोनों की टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो आप पीपीसी में क्या होना चाहिए, मान लीजिए ऐसी पीपीसी है, ये पहले पीपीसी था है ना, तो अब इसकी भी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, उसकी भी बढ़ गई, तो दोनों में क्या हो जाना चाहिए, शिफ्ट हो जाना चाहिए। किधर शिफ्ट होगा, राइट वार्ड शिफ्ट होगा, किधर शिफ्ट होगा, राइट वार्ड शिफ्ट होगा। आप ये सब समझ गए। अब मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ कि राइट डाउन द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ऑन पीपीसी। पहले आपने जो भी लिखा है पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। क्लियर है बात, चलो ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखो, आप लोग क्वेश्चन लिखो।
एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ऑन पीपीसी, इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ऑन पीपीसी। इंक्रीज इन रिसोर्सेस, इंक्रीज इन रिसोर्सेस, डिक्रीज इन रिसोर्सेस, इंक्रीज इन रिसोर्सेस, डिक्रीज इन रिसोर्सेस, इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी ऑफ एक्स, इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी ऑफ एक्स, डिक्रीज इन टेक्नोलॉजी ऑफ एक्स, डिक्रीज इन टेक्नोलॉजी ऑफ एक्स बोल रहा हूँ मैं, है ना। कुछ मतलब टेक्नोलॉजी तो ऐसे डिक्रीज नहीं होती, लेकिन टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी डिप्लेशन हो गया मार्केट में एडवांस है और आपके पास नहीं, नहीं ये सही नहीं रहेगा ऐसे। सिर्फ इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी लिखो, डिक्रीज कैसे हो सकती है टेक्नोलॉजी, तो इसको हटाओ। अलग क्या लिखना है, सिर्फ आपको इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी ऑफ एक्स, फिर इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी ऑफ वाई, इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी ऑफ वाई। टेक्नोलॉजी अपग्रेड ही होती है, टेक्नोलॉजी डिग्रेड कहाँ होती है, इसलिए मैं डिक्रीज वाला नहीं लिख पा रहा हूँ। स्टडी के लिए लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखना है। फिर लिखो अपग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी ऑफ एक्स एंड वाई बोथ, अपग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी ऑफ एक्स एंड वाई बोथ। नेक्स्ट लिखो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट हो रहा है तो क्या होना चाहिए, ये आप आपको अपना दिमाग लगाना है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, फिर लिखो आप डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ओएसी और भी आपको सिचुएशन में दूंगा, ठीक है। फिलहाल इन सिचुएशन पे आपको ये समझाना है कि यदि पीपीसी बना हुआ है तो पीपीसी किधर होगा। जैसे आपको एक आध एग्जाम्पल, जैसे बोला आपने बोला इंक्रीज तो किधर होना चाहिए, राइट क्वेश्चन। जैसे आपने बोला डिक्रीज तो किधर शिफ्ट होना चाहिए, लेफ्ट साइड शिफ्ट होना चाहिए। आपने बोला टेक्नोलॉजी एक्स की टेक्नोलॉजी बढ़ गई, एक्स इधर होता हमेशा, वाई इधर रखते हम, तो एक्स की टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो एक्स की तरफ से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, रोटेट हो जाएगा। वाई की बढ़ गई तो वाई की तरफ रोटेट हो जाएगा। अब इसी तरीके से आपको सोचना है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, ऐसा नहीं बोला है एक्स का कि वाई का, कुछ ही बोला है, सिर्फ ऐसा बोला है इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो क्या होना चाहिए, आप बताओ क्या होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, यस प्रोडक्शन बढ़ेगा, उससे राइट पार्ट शिफ्ट होगा। इन्वेस्टमेंट कम हो गया तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, ठीक, वेरी गुड। तो ये इस तरीके से आपको कॉपी में सोल्व करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।